हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन एक्सेस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज आप लोग 11th क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों का। ये भौतिक राशियाँ क्या होती है इनको आज समझने को आपको मिलेगा। बेटा आओ स्टार्ट करते हैं आपका भौतिक राशियाँ। आओ फिजिकल क्वांटिटीज इनकी बात अपन लोग कह रहे हैं, तो इसको अपन लोग समझते कैसे। देखो सुनना, पदार्थ का मापन योग्य वह गुण, भाई पदार्थ का ऐसा गुण जिसको माप सकते हैं, ठीक है। सुनना, पदार्थ का मापन योग्य वह गुण जिसे परिमाण एवं मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहते हैं। तो आ जाओ लिख देते एक बार, क्या पदार्थ का मापन योग्य वह गुण जिसे परिमाण एवं मात्रक की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है क्या कहलाता है बेटा, आपका भौतिक राशि कहलाता है। हो गई बेटा तक की बात। जैसे कि अपन लोग बात करें कैसे, जैसे मैंने लिखा 5 किलोग्राम चीनी, तो यहाँ पे 5 केजी चीनी क्या है। देखो यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ आपको, चलिए ये पाँच क्या है, ये आपका है परिमाण, कितना मात्रा है, क्वांटिटी आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद एक केजी जो है, केजी क्या है मात्रा का यूनिट है, ठीक है। और ये क्या है, चीनी। तो चीनी क्या है यहाँ पे बताने को मुझे, चीनी क्या है, पदार्थ है ना। अब यहाँ पे बात करें तो भौतिक राशि क्या है, तो आप समझो एक बार ध्यान से, 5 केजी चीनी का अर्थ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भौतिक राशि है, तो यहाँ पे अपन कहें भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि जो आपकी आई वो भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान। क्या है बेटा, द्रव्यमान, मास है। भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान। और प्रदर्शन कैसे किया आप लोगों ने, भौतिक राशि का प्रदर्शन, भौतिक राशि का प्रदर्शन कैसे किया आपने, 5 केजी चीनी लिख करके है। यानी कि 5 केजी चीनी लिखा, तो इसका मतलब आप लोगों ने किसको बताया, द्रव्यमान को बताया। उसमें 5 क्या है परिमाण आपका, केजी क्या है मात्रा का आपका, चीनी क्या है पदार्थ है, और भौतिक राशि आपकी क्या आई, द्रव्यमान आई। ऐसे आप दूसरी, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने कहा कि जैसे 10 मीटर तार वायर मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो सुनना, यहाँ पे मैंने कहा वही वापस से 10 तो क्या है बेटा, 10 तो क्या है परिमाण है, परिमाण। और मीटर जो है, मीटर क्या है बेटा आपके पास में, ये आ गया आपके पास में मात्रक। और तार क्या आ गया बेटा आपके पास में, पदार्थ, ठीक है। और यहाँ पे वही बात, भौतिक राशि का जो भाई, भौतिक राशि कौन सी, तो आप कहोगे भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में क्या, बताओ लंबाई कोई कहना चाह रहा है ना कि लंबाई 10 मीटर लंबा तार है, मतलब कि लंबाई तो है 10 मीटर तार, मतलब 10 मीटर लंबा तार आपके पास में है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया भौतिक राशि, समझ में आई जैसे क्या क्या बात होती है, पता लग गया। अब देखो सुनना, मैं कहूँ कि अकेला, मान चलो मैं मात्रक ना बताऊँ और मैं सीधा परिमाण बता दूँ, तो अकेले परिमाण की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। कैसे, तो मैं बताऊँ, देखो सुनना, मैं अगर ऐसे लिख दूँ इसको खाली, जैसे मैं चीनी को लिख लूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 चीनी, जैसे मान के चलो भाई एक बच्चा है घर में, उसको मम्मी ने बुलाया है, तो किसी बड़े ने बुलाया बेटा, 5 चीनी लिया। 5 चीनी का मतलब क्या है, वो दुकान पे जा क्या कहेगा कि 5 चीनी दे दो, 5 चीनी के दाने। दुकानदार पूछेगा 5 क्या, 5 चीनी के दाने, 5 ग्राम, 5 किलो, 5 बोरी क्या। तो अपन कहते हैं कि खाली अगर आपके पास में परिमाण है, मात्रक नहीं है,
तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। आपको अगर कोई भौतिक राशि के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको परिमाण भी चाहिए और आपको मात्रक भी चाहिए। तो यानी कि भौतिक राशि को बताने में मात्रकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की, बात करें क्या होता है, आगे आ जाओ। तो अपन कहते हैं, देखो सुनना, मैं क्या कहता हूँ कि भौतिक राशि जो है वो दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, आ जाओ बात करें। मैंने लिखा भौतिक राशि, तो ये लो फिजिकल क्वांटिटी। तो अपन ने कहा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जब बात कर दे देखो। तो मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की है, पहला मूल भौतिक राशि, इसको बोलेंगे अपन लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा आता आपका क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब देखो सुनना, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलेंगे अपन लोग। अब देखो सुनना, ये बात हो गई, अब देखो इनको क्या कहेंगे अपन लोग, इनकी परिभाषा में अपने शॉर्ट में बता दूं कि ये है ना, मूल भौतिक राशियां जो हैं वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। तो अपन कहीं दूसरी राशि जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड नहीं करती है, तो अपन कहेंगे ये अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है बेटा, और जबकि इनकी बात कहेंगे तो इनको क्या कहेंगे अपन लोग, इनको कहेंगे कि इन्हें मूल भौतिक राशियों से व्युत्पित किया जाता है। ये लो, यानी कि ये तो निकलेंगी मूल भौतिक राशियों से, और इनके लिए अपन कहा कि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक बात और सुनो कि मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रकों से अपन इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनको कैसे, किससे करेंगे अपन लोग, इनको अपन लोग व्युत्पन्न मात्रकों से अपन लोग इनको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो ये बात हुई सिंपल सी। अब देखो मूल भौतिक राशि को अपन लोग समझे, देखो सुनना ध्यान से, तो मूल भौतिक राशि को समझू मैं तो कैसे करेंगे अपन लोग, कि मूल भौतिक राशियां पहले स्टार्टिंग में पहले तीन मानी जाती थी। कौन कौन सी थी, देखो ऐसे याद कर लो शॉर्ट में, देखो MLT यानी कि देखो क्या, मास लेंथ और ये क्या आ गया, टाइम, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, ये लंबाई जो अभी मैंने बात करी, ठीक है, द्रव्यमान की बात करी, और ये टाइम समय, ये पहले प्रारंभ में तीन मूल भौतिक राशियां मानी जाती थी। बेटा इनके आगे ये बात हो गई, के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। तो प्रारंभ में तीन मूल भौतिक राशियां मानी जाती थी, ठीक है, और इनके जो मात्रक थे, इनके मात्रक वो क्या क्या थे उनकी बात करें, आ जाओ देखो, प्रारंभ में तीन मानी जाती थी, इनके मात्रक तो आप कहो कि मास जो होता है उसको किसमें व्यक्त किया उन्होंने, किलोग्राम में इन्होंने रिप्रेजेंट किया, इसको व्यक्त किया मात्रक इसका। लेंथ जो है इसको किसमें नापा, मीटर में मापा, और टाइम को इन्होंने नापा सेकंड में। और इनके सिंबल क्या दिए, प्रतीक क्या क्या दिए थे, जैसे किलोग्राम को मात्रा को बताने के लिए कैसे बताया, इसको बताने के लिए कहा
भाई केजी बता दो आप लोग, क्या बता दो, केजी। लंबाई को बताने के लिए मीटर बता दो आप लोग, समय को बताने के, सेकंड को बताने के लिए एस बता दो। ऐसी बात आई थी, ये एमएलटी से इसको रिप्रेजेंट कर दे, चलो ठीक है। लेकिन एक दूसरी पद्धति आई मात्रकों की, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के अनुसार ये मूल भौतिक राशियाँ तीन नहीं होती, इन्होंने बढ़ा दिया उसको, कितना कर दिया, सात कर दिया। कौन कौन सी आ जाओ बात करें, पहली जो तीन थी वो तो सेम थी, एमएलटी, मास, लेंथ, मास लेंथ, ठीक है, और क्या टाइम, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई और क्या समय, ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी आया, एक दूसरा टेम्परेचर को ताप अपने कहा, ये लो ताप। तीसरा भाई, पांचवा आपके पास में आ गया, जैसे पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसको लिखा पदार्थ की मात्रा। छठा जैसे आपके पास आया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और सातवां आपके पास में आया क्या, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। ये सात फिजिकल क्वांटिटीज मानी किसने, एसआई पद्धति ने, उनको मापा वही भाई किसमें, इसके यूनिट क्या हुए, यूनिट में सीधा बता दूं आपको, इसको वही किसमें नापा था, किलोग्राम में मापा इसको, किलोग्राम, इसको वही किसमें नापा, मीटर, ठीक है, इसको नापा वही सेकंड में नापा इसको, ये लो, ठीक है, इसको नापा टेम्परेचर कैल्विन में मापा पदार्थ की मात्रा को, मापा मोल में, किस में मापा, मोल में, और ये लो, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को नापा एम्पियर में, एम्पियर मापा, और ज्योति तीव्रता को मापा किसमें, कैंडेला में, कैंडेला में नापा। और इनके जो भाई अपन कहे कि यूनिट्स को किससे रिप्रेजेंट किया, वही इनको तो आपको पता ही है भाई यूनिट जो है इसकी, किलोग्राम को तो केजी से कर देते रिप्रेजेंट, मीटर को एम से कर देते रिप्रेजेंट, सेकंड को एस से कर देते रिप्रेजेंट, और केल्विन को बड़े के से किया, ठीक है, मोल्स को एन से किया छोटे एन से, एम्पियर को बड़े ए से किया, कैंडेला को सी डी से किया, कैंडेला से, हो गया। तो ये मूल भौतिक राशि आपके पास में आई निकल करके। अब दूसरी बात करेंगे आप लोग किसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि अपन कहा कि इनको मूल भौतिक राशियों से निकालते हैं अपन लोग, तो आ जाओ उनकी बात करते हैं, किसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की। तो कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा व्युत्पन्न भौतिक राशि कैसे निकाली जाती है। तो आओ देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करें ना, तो देखो सुनना, जैसे मैंने अब बताऊं आपको आयतन, ये आयतन को वॉल्यूम बोल देते हैं अपन लोग। आयतन क्या होता है बेटा, सुनना, अपन ऐसे क्या किसी भी चीज़ का आयतन निकालेंगे, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो ऐसे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही करते हो ना, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई करते हो। अब देखो ये लंबाई अपन का ऐसे लोगे तो भी वो लेंथ नाप रहे, चौड़ाई आप ले रहे ऐसे तो वो भी क्या लेंथ नाप रहे, और वो ऊंचाई नाप रहे तो वो भी लंबाई नाप रहे हो। यानी कि लंबाई को तीन बार अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपके पास में, आयतन आ जाता है। ये भौतिक राशि आयतन क्या है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि, इसका मतलब ये पता चला। और इसका मात्रा कैसे निकल जाएगा, ये भी लंबाई है तो मीटर, तो इसका मात्रा क्या आ गया, मीटर क्यूब आपके पास में आ गया, किसका, आयतन का। बोलो क्लियर आई बात तक की। जैसे क्षेत्रफल की बात करें, दूसरा ये लो एरिया की बात करें, क्षेत्रफल
ठीक है ए। तो देखो क्या होता है, क्षेत्रफल क्या इसका, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यही आप लोग बात करते हो, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें क्या, ये भी लंबाई का वो है और ये भी लंबाई का है, यानी कि दोनों ड्राई हुए किससे, लेंथ से ही तो ड्राई हुए, लंबाई को चौड़ाई गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। उसका ड्राइव जो होगा यूनिट वो क्या होगा, इसको भी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी एम से, तो इसका यूनिट क्या गया, मीटर स्क्वायर। जैसे और लेते आ जाओ, घनत्व की बात करें, घनत्व तो घनत्व सबको पता है, सब बच्चों को भाई, घन डेंसिटी की बात करें, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। यानी कि क्या आ गया भाई, द्रव्यमान ये क्या होगा, शुरू वाला मास वाला आ गया, ठीक है, और आयतन, आयतन क्या आ गया, वॉल्यूम का ही हो गया। तो द्रव्यमान को अपन लोग लिख लग, इसका मात्रक जैसे निकालेंगे अपन लोग डेंसिटी का, तो इसका क्या आ गया, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम और अपन नीचे क्या है, मीटर क्यूब, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वही तो है, तो मीटर क्यूब। तो इसका बड़ा मात्रक देखेंगे तो क्या, किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस, मतलब किलोग्राम माइनस भाई किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ऐसे आएगा ना। तो ये आपके पास में आ गया। जैसे और देखें, जैसे आप लोग वेग, वेग की बात करें, किसकी बात करें, वेग की बात करें, वेलोसिटी की, ठीक है। तो इसमें अपन देखें तो ये क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, तो यानी कि विस्थापन क्या, डिस्टेंस ही तो है, तो यानी कि क्या होगा, एम अपॉन एस, तो यानी क्या आ गया, इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर सेकंड इनवर्स, यही आया नहीं आया। तो इस तरीके से ये सारी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, देखो ये रही, ये रही, और भी इनके हाइवन फोर्स वोर्स वगैरह जो है, बल वगैरह, वो सब किस में आएंगे, व्युत्पन्न में आएंगे। अच्छा ठीक है, ये मूल राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशि समझ आई है। अब मैं आपको एक बात और समझने वाला हूँ कि मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है, यूनिट सिस्टम में आपको समझाने वाला हूँ मात्रक पद्धतियाँ। तो आ जाओ बताते हैं, मात्रक पद्धति, ठीक है, आ जाओ क्या लिखते हैं, यूनिट, यूनिट सिस्टम, ठीक है भाई। तो आ जाओ देखो क्या करेंगे अपन लोग, अपन कहेंगे चार यूनिट सिस्टम आए अपने पास में, कैसे, एक तो आपके पास में आया क्या, सी जी एस सिस्टम आया आपके पास में, दूसरा सिस्टम आपके पास में क्या है, आपके पास में एफ पी एस सिस्टम, ठीक है ना, और तीसरा सिस्टम आया क्या आपके पास में, एम के एस सिस्टम, सुना होगा ना आप अपने समझ का, और चौथा आता आपके पास में क्या, एस आई सिस्टम। एक बात सुनना बेटा, जब भी कोई भी अपन लोग अपन कहें डेरी भाई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, या फिर कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो आप ध्यान रखोगे कि सेम सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी वैल्यूज। जैसे आप कोई द्रव्यमान की बात करें, और तो सारे द्रव्यमान किस में हो, या तो आपके भाई सी जी एस पद्धति में, या पी एस पद्धति में हो, या फिर किस में हो, एम के एस पद्धति में, या फिर सारे किस में लेंगे आप लोग, ऐसा यूनिट में लेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अपन देखो बात करें, शुरू में बात करें, जैसे देखो उनको याद करेंगे, देखो लंबाई, लंबाई ठीक है, द्रव्यमान तीन है तो तीन चीज़ों को बता देता, और दूसरा क्या समय। तो आपसे कहा जाए सी जी एस पद्धति में लंबाई को आप लोग किससे, किस में बताओगे, सेंटीमीटर में, किस में बताओगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। और द्रव्यमान है तो देखो जी से और क्या, ग्राम, तो किस में बताओगे, ग्राम में बताओगे, ग्राम में बताओगे। और समय किस में बताओगे, एस मतलब सेकेंड, तो किस में बताओगे, सेकेंड में बताओगे आप लोग, समय को बताओगे सेकेंड में, ठीक है ना। आ जाओ एफ पी एस पद्धति में, आप जब लोग आते हो तो एफ पी एस पद्धति में एफ फोर होता है, लंबाई को बताओगे फुट में, फुट में, फुट में बताओगे, है ना। और उसके बाद जब आप लोग द्रव्यमान की बात करो, किस में बताओगे, पाउंड में, पाउंड में, पाउंड में आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। और वापस से समय किस में बताना पड़ेगा, सेम आपको सेकंड, सेकंड में बताना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ अगला देखते हैं आप लोग, एम के एस पद्धति में जब जाओगे तो लंबाई को बताना पड़ेगा किस में, मीटर में, एम के एस में मीटर में, मीटर में। और द्रव्यमान किस बताओ, किलोग्राम बताओगे, किस बताओ, किलोग्राम में, तो किलो ग्राम
ठीक है, और समय किसे बताओ, सेकंड में। तो ये लो समय आपका आ गया सेकंड में, हो गया बेटा क्लियर आप कहाँ तक का। चलो ठीक है, और एसआई सिस्टम की तो अभी बात करके आए हो कि एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में आप लोगों को सात आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वही आपकी, और उनको आपको प्रदर्शित करने के लिए मैंने आपको छोटा सा बनाया था, एक फिर बता दूँ चाहता हूँ इधर को इसको हटा करके, कि भाई ऐसा ही सिस्टम आप लोग लगाओगे तो ऐसा ही सिस्टम में सात होती हैं, आ जाओ एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। पहला भाई भाई अपन कहें लेंथ भाई, मास भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान लंबाई सेम सा आ जाए, समय ताप, ठीक है, उसके बाद अपन लोग का पदार्थ की मात्रा, उसके बाद अपन ने कहा क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा और इसमें क्या ज्योति तीव्रता, ठीक है, और इनको मापेंगे किसमें, इसको मापेंगे किलोग्राम में, ठीक है, इसको मापेंगे किसका मीटर में, इसको किस में मापेंगे अपन लोग, इसको अपन लोग नापेंगे सेकंड में, इसको नापेंगे केल्विन में, इसको मापेंगे किस में मोल में, मोल में, इसको नापेंगे किस में एम्पियर में, और इसको किस में मापेंगे आप लोग कैंडेला में मापोगे। ये आपका एसआई सिस्टम आपके पास में है, ये आपका एसआई सिस्टम, ठीक है, ये आपका कौन सा सीजीएस सिस्टम, ये कौन सा आपका एफपीएस सिस्टम, और ये कौन सा आपका आपका एमकेएस सिस्टम। बोले बातें क्लियर हुई, तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा किसको, मात्रक पद्धतियों को सीखा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को सीखा बेटा, ठीक है।